आपने 67,907 ग्रुप डी भारतीय रेल के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है और आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर इसके अंदर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे इसके सिलेबस से जुड़े हुए 10 ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको जानने के बाद आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और सुनिश्चित ही अपना सिलेक्शन फिक्स कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो परीक्षा है ये 100 प्रश्नों की है जिसके समय अवधि आपको 90 मिनट की दी गई है। समय का पता रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर समय अगर हमें ठीक से पता है तो हम उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस परीक्षा के अंदर कुल 4 भाग हैं जिसके अंदर आपको पता है गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, विज्ञान आएगा और करंट अफेयर्स आएगी। पास होने के लिए कम से कम जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स चाहिए और अन्य कैटेगरी को 30% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की है तो आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को केवल 54 सेकंड मिलेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि गणित को भी पूरा समय मिले और अन्य प्रश्नों को भी आप हल कर पाएं। ये परीक्षा ज़्यादा जटिल नहीं आएगी और इसलिए हमको चाहिए कि हम सही प्लान के साथ अध्ययन करें। ज़्यादा चीज़ों को करके कोई फायदा नहीं, थोड़ी ही चीज़ें करें लेकिन इस तरीके से करें कि आप उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं। इस वैकेंसी से जुड़ी अन्य सूचनाओं के लिए आप हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। 10 गुना से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो कितना हाई लेवल का होगा। तो इसके लिए आप ये नहीं सोच सकते कि अगर 40% ही पासिंग मार्क्स है तो उतने पे आपका सिलेक्शन डन हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप और भी सुंदर और अत्यधिक आप प्रिपरेशन करें जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके अपना सिलेक्शन फिक्स कर पाएं। प्रश्न जो है वो सिंपल होंगे और नॉर्मल स्टेट के होंगे लेकिन टफ होंगे। आपका जो जो क्वेश्चंस होंगे वो इधर उधर से नहीं लिए जाएंगे, आपके कोर्स से ही लिए जाएंगे लेकिन उसका जो लेवल होगा वो टफ होगा। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़े कॉज एंड इफेक्ट यानी कि डीपली पढ़े तभी जाके आप उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। गणित, रीजनिंग और विज्ञान जो है ये सबसे आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं। गणित, रीजनिंग और साइंस, इसके लिए सबसे ज्यादा आपको मार्क्स यही दिलाएंगे और अगर गड़बड़ी हुई तो आपको डुबाएंगे भी यही। इसके लिए आपको इसकी तैयारी करना ठीक से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम के साथ यही दो चीजें हैं जो आपको डुबा भी सकती हैं या फिर आपको पास भी करवा सकती हैं। परीक्षा में नकारात्मक अंक है दोस्तों, 1/3 नकारात्मक अंक है तो सुनिश्चित कर लें। अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन सही लग रहा है तभी उस पर टिक करें, ऐसे ही अगर आप टिक करेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन स्किप करने की स्ट्रेटेजी भी सीखें और सही तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।